हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आपकी तैयारी को और बेनिफिशियल बनाने के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्सेट 2021 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर के बारे में। इसमें अप्रॉक्स 175 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग सारे क्वेश्चन कवर होंगे विद प्रॉपर रैशनल। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज इन एंकल इंजरी। ठीक है, तो जो भी एंकल इंजरी है या एल्बो है उसमें हम यूज़ करते हैं फिगर ऑफ एट बैंडेज। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अ नर्स नो दैट अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ कॉपर T380A। तो जो कॉपर T380A इंसर्ट करते हैं ये होता है फॉर 10 ईयर। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 10 ईयर, और जो कॉपर T375 मल्टी लोड होती है वो होती है फॉर 5 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन है विच डाइट शुड अवॉइड इन एक्यूट रीनल फेलियर डिजीज। ठीक है, रीनल फेलियर में हमें कौन सी डाइट अवॉइड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाइटमिन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। हमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा अवॉइड करनी है। क्यों? ताकि किडनी के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना पड़े, क्योंकि हमें एक्यूट रीनल फेलियर है, किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन इन इंडिया। ठीक है, ये जनरल जीके का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहली इंडिजीनियस इंडिया की कौन सी वैक्सीन है, तो वो है कोवैक्सीन। ठीक है, ये किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोन नोन एज ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ऑप्शन है स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा या क्लेविकल। ठीक है, तो ब्रेस्ट बोन हम किसको बोलते हैं? स्टर्नम को। ठीक है, स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेंट हाई फाइबर। हाई फाइबर किस में होगा? फर्स्ट ऑप्शन वीट, सेकेंड स्पिनच, थर्ड होल ग्रेन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या करते हैं, हम ऑल ऑफ द अबव सोच के लगा देते हैं, लेकिन वीट और स्पिनच के कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई फाइबर किस में होता है? होल ग्रेन में। ठीक है, होल ग्रेन में पूरे जितने फाइबर है वो ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू वीट एंड स्पिनच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी परफॉर्म ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, लेबर के दौरान कौन सी मोस्ट कॉमन एपी हम यूज़ करते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन एपी है वो है राइट मीडियोलेटरल। ठीक है, जो मीडियोलेटरल एपिजियोटॉमी है वो हम सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम एपिजियोटॉमी कब देते हैं, क्या आइडियल टाइम है एपिजियोटॉमी देने का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एपिजियोटॉमी शुड बी डन वाइल पेरिनियम बल्जेस जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग ऑफ द हेड। ठीक है, क्राउनिंग से जस्ट पहले हम एपिजियोटॉमी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज अ चाइल्ड कम्स इन एमरजेंसी विद एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म आफ्टर अ बी स्टिंग, व्हाट इज द मोस्ट प्रेफर्ड रूट ऑफ एड्रेनालिन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन है इंट्राट्रेकियल, इंट्रास्पाइनल, इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर। तो इसमें लिखा है एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है? जब ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि जो उसकी साइड की जो मसल्स हैं वो टाइट हो रही है, तो इस वजह से जो ब्रोंकाई है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, तो मोस्ट प्रेफर्ड रूट हम कैसे देंगे एड्रेनालिन की जो ब्रोंकोस्पाज्म है वो ना हो और वो रिलैक्स हो जाए, तो इसके लिए हम देंगे इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, मसल्स में जाएगा, क्योंकि जो साइड की ब्रोंकियोल की जो साइड की मसल्स है वो टाइट हो रही है, इसलिए ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, तो हम इंट्रा मस्कुलर एड्रेनालिन देंगे, मोस्ट प्रेफर्ड रूट। नेक्स्ट इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम 10th 12th में ही पढ़ते हैं केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड इन कोविड एरिया फॉर डिसइंफेक्शन। सो डिसइंफेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और इसका भी कंसंट्रेशन भी पूछते हैं कभी कभी, कितना? 1%। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करेंगे हम कोविड एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट शेड्यूल फॉर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर नो दैट आफ्टर सर्जरी दिस क्लाइंट में रिस्क फॉर। ठीक है, अब जो क्लाइंट है उसमें क्या कर दिया गया है? टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, जो भी स्टमक है पूरा स्टमक को हमने बाहर निकाल दिया, तो इसके बाद क्या रिस्क होगा पेशेंट को? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी
एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस. ठीक है, तो जो स्टमक होता है उसमें एच सी एल प्रोड्यूस करता है वो, लेकिन जब हमने टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी तो हमें स्टमक को बाहर निकाल दिया, तो एच सी एल का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो गया, एच सी एल नहीं निकल रहा. ठीक है, अब एच सी एल नहीं निकल रहा तो किस हमारी बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, एल्कोलोसिस. ठीक है, जो एच सी ओ थ्री की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है हमारे बॉडी में होने के, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पेशेंट टंग एंड एपिग्लॉटिस आर प्रोट्रूड इनसाइड द माउथ, देन व्हाट फाइंडिंग आर सीन इन द पेशेंट, रोंकी, स्ट्राइडर, वीजिंग या गर्गल साउंड. ठीक है, जब भी टंग या एपिग्लॉटिस, जो टंग और एपिग्लॉटिस है किस चीज़ के पार्ट है, अपर एयरवे. ठीक है, अपर वे एयरवे में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो किससे रिलेटेड होता है, स्ट्राइडर. कैसी साउंड आती है, स्ट्राइडर. स्ट्राइडर में कैसे आएगी, हाई पिच साउंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई पिच हार्श साउंड हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन नोन एज, रोंकी, स्ट्राइडर, वीजिंग और रेल. ठीक है, तो जो अभी स्ट्राइडर हमने पढ़ा है वही इसका आंसर है, हाई पिच हार्श साउंड हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, कि जब हम इंस्पायर कर रहे हैं एयर को तब जो अब हमें हाई पिच साउंड सुनाई देगी उसको बोलेंगे स्ट्राइडर. वीजिंग अस्थमा में है कॉमन. ठीक है, और जो स्ट्राइडर है इसमें क्या होता है, मेन अपर एयर वे अफेक्ट होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज केयरिंग अ पेशेंट इन द वार्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग द पेशेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, नर्स फॉरगेट टू रेज साइड रेल्स, इन बिटवीन क्लाइंट एक्सीडेंटली फॉल डाउन ऑन द फ्लोर एंड गेट मल्टीपल लेग फ्रैक्चर, इन दिस कंडीशन नर्स में लाइबल फॉर, फर्स्ट ऑप्शन इज नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, बैटरी और ब्रीच ऑफ ड्यूटी. ठीक है, तो इसमें क्या है कि नर्स को ऑलरेडी पता है कि साइड रेल्स उसको ऊपर करना है, ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, बट वो भूल गई है साइड रेल्स ऊपर करना, तो ये क्या हुआ, नेग्लिजेंस, बिकॉज नर्स डू नॉट परफॉर्म हर ड्यूटी इन रीजनेबल एक्ट, सो शी मे लाइबल फॉर नेग्लिजेंस. नेक्स्ट है, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इंडिकेट टू. ठीक है, तो गोल्डन कलर किस लिए होता है, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रीन कलर का है तो मीकोनियम स्टेन, गोल्डन है तो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, ग्रीनिश है तो पोस्ट मेच्योरिटी, डार्क कलर है तो कंसील्ड एक्सीडेंटल हिमोरेज, और डार्क ब्राउन है तो इंट्रा यूट्राइन डेथ. ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी कंसिस्टिंग ऑफ अ डार्क ब्लूश और पर्पलिश वॉयलेट कलर ऑफ द वेजाइनल और सर्वाइकल म्यूकोसा एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया इज नोन एज. वेजाइनल और सर्वाइकल म्यूकोसा में क्या ब्लड सप्लाई बढ़ गई, और कैसे कलर का दिख रहा है, डार्क ब्लूश या पर्पलिश वॉयलेट कलर, ये इसको ये कौन सा साइन होता है, चैडविक साइन. ठीक है, हेगार साइन में क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट सॉफ्ट. ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट. गुडल साइन क्या होता है, सर्विक्स जब सॉफ्ट हो जाता है. और ओजिएंडर साइन क्या होता है, पल्सेशन जब हमें फेल्ट होती है लेटरल फॉर्निक्स में. ठीक है, कब, एट्थ वीक पे, उसको बोलेंगे ओजिएंडर साइन. ठीक है, तो ब्लूइश या पर्पलिश कलर है तो उसका आंसर होगा चैडविक साइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय इंडिया फॉर कोविड 19. ठीक है, तो फर्स्ट वैक्सीन जो बनाई थी वो बनाई थी कोवैक्सीन ने. किसने बनाया था, भारत बायोटेक कंपनी, और ICMR के कोलैबोरेशन के साथ बनाया था. ICMR क्या है, इंडियन सेंटर ऑफ मेडिकल रिसर्च. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ जनरल नॉलेज. ठीक है, कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन कब कंप्लीट हुआ था, तो ये हुआ था 21 अक्टूबर 2021. ठीक है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट दैट डिनोट इन इमेज. ठीक है, ये मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी इमेज बेस की, उसमें भी मैंने बताया था इस टाइप का मास्क है, तो इसको क्या बोलते हैं, LMA, that is laryngeal mask airway. ठीक है, जब temporary कभी हमारे airway में problem है तो हम इसको use कर सकते हैं, नाम है laryngeal mask airway. ठीक है, अगर आपने मेरी पुरानी image base वाली video नहीं देखी तो आप उसमें देखिए, उसमें सारी important image base cover करवाए हुए. So next question is, which identify the following drain that denote in image. ठीक है, तो image में कौन सा drain आपको show हो रहा है, तो इस टाइप का जो आपको ड्रेन दिख रहा है ऐसे पोटली सी दिखेंगी, तो ये होता है जैक्सन पार्ट ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, JP ड्रेन बोलते हैं, या जैक्सन पार्ट ड्रेनेज. ये क्या होता है, एक टाइप का क्लोज्ड ड्रेनेज है. कैसा ड्रेनेज है, क्लोज्ड.
ठीक है, और एक ओपन ड्रेनेज सिस्टम भी होता है जैसे पेनरोज। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बॉडी में होल करके हम डायरेक्ट पेनरोज ड्रेन लगाएंगे, इससे डायरेक्ट फ्लूड या जो भी है वो आउट आएगा, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोट इमेज। ठीक है, तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है, इसमें शो हो रहा है कॉटरी। ठीक है, कॉटरी किसी भी कोगुलेशन के काम आती है। ठीक है, तो इसमें आपको दो पार्ट दिख रहे, तो ये क्या है, बायपोलर कॉटरी। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोट इंस्ट्रूमेंट, ये भी लास्ट क्लास में मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, इसमें लार्ज सी बन रहा है, तो ये क्या है, डीवर्स रिट्रैक्टर। ठीक है, मॉरिस रिट्रैक्टर थोड़ा कर्व होता है और डॉइंस भी थोड़ा कर्व और छोटा होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर ऑफ सर्जिकल ब्लेड दैट डिनोट इन इमेज। ठीक है, इसमें आपको कैसा एंड दिख रहा है, ऐसे पॉइंटेड एंड, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। ये किस कौन से नंबर ब्लेड में होता है, 11। ठीक है, तो ये भी लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से समझा हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिनोट इमेज। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसे दे दिए थे कि इसमें पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इन्हेलर, सेकंड नेबुलाइजर बॉटल विद मास्क, थर्ड नेबुलाइजर, फोर्थ स्पेसर। ठीक है, तो ये वाला अगर इमेज आता है तो ये किसका इमेज है, स्पेसर। ठीक है, स्पेसर हम किस में यूज़ करते हैं, स्पेसर हम यूज़ करते हैं मीटर डोज इन्हेलर में। ठीक है, जिससे मेडिकेशन ईजिली पम्प हो जाए हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट। ठीक है, इन 24 आवर कितना होता है, 1500 ml। ml और cc सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ आर लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फिबुला, टीबिया, ह्यूमरस या फीमर। ठीक है, ये सबको ही पता होगा, जो फीमर है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन इन्फेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पूछना है, इसमें क्या पूछा है, इन्फेंट का। तो इन्फेंट में कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो होता है 3:1। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर एडल्ट में या चिल्ड्रन में आपसे पूछे तो क्या होगा, 5:1 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, और अगर स्पेसिफिक इन्फेंट में पूछेंगे तो 3:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री इन IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन में कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन स्किन एंड नीडल ड्यूरिंग IM इंजेक्शन टेक्निक। ठीक है, तो एंगल कितना होगा, ये भी सेम है, 90 डिग्री। लेकिन अगर कोई फैट है, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू अगर किसी में कम है, फैट नहीं है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं 45 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है विच रूट प्रेफर्ड फॉर सेकेंड डोज ऑफ DPT। ठीक है, DPT के लिए हम, DPT कैसे जाता है, ये जाता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इंट्रामस्कुलर जाएगा, इंट्रामस्कुलर भी जो बच्चा है उसमें डेल्टॉइड वाली मसल्स इतनी डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, ग्लूटियल भी इतनी डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो ज़्यादा फैट कहाँ होता है, थाई में, तो हम कहाँ पे लगाते हैं, वेस्टस लेटरलिस। ठीक है, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में, मिड थाई में लगेगा, कहाँ पे, वेस्टस लेटरलिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ WHO, पस सॉइल्ड कॉटन स्वैब शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कंटेनर। ठीक है, जितना भी पस सॉइल्ड, ठीक है, जितनी भी स्वैब्स हैं जो ब्लड में सोक्ड है या किसी फ्लूड में सोक्ड है, तो वो सब किस में डिस्कार्ड होते हैं, येल्लो वाले में। ठीक है, येल्लो में जितने हमारे एनाटॉमिकल वेस्ट है, सॉइल्ड वेस्ट है, बॉडी फ्लूड या ब्लड वगैरह, इन सब से जो भी आइटम्स डिस्पोज है उनको हम किस में डालेंगे, येल्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अ प्रेग्नेंट लेडी केम इनटू द हॉस्पिटल फॉर एंटीनेटल चेकअप, विच मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय ऑन ड्यूटी डॉक्टर टू प्रिवेंट NTD। NTD क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या देना होता है, फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, इसका डोज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉलिक एसिड कितना जाता है, 400 μg/day। ठीक है, और साथ में आयरन चलती है कितनी, 60 mg/day, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट लेडी इन एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी हमने देखा है कि जो फॉलिक एसिड है वो हमें चाहिए होता है 400 μg एंड आयरन इज 60 mg। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो क्लोज है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, 60 mg आयरन और फॉलिक एसिड 500 μg। नेक्स्ट एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए होती है, 300। नेक्स्ट ऑल वैक्सीन्स इंक्लूडेड इन मिशन इंद्रधनुष एक्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है नीमोकोकल, सेकंड हेपेटाइटिस बी, थर्ड मीजल्स, फोर्थ DPT।
ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये मिशन इंद्रधनुष है ये कब आया था, 25th दिसंबर 2014, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। ये क्या है, इस कैंपेन में क्या था, 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हम इंक्लूड करते थे, कौन कौन सी, DPT, टेटनस, DPT में आ गया, ठीक है, TB, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी एंड मेनिनजाइटिस, मेन ये 8 डिजीज है, ठीक है। तो इसमें हेपेटाइटिस बी भी है, DPT भी है, मीजल्स भी है, नीमोकोकल इंक्लूड नहीं है, तो इसका आंसर है नीमोकोकल। नेक्स्ट, इफ यू आर पोस्टेड एट PHC आफ्टर डिलीवर्ड बेबी इन विच बैग यू शुड डिस्कार्ड द प्लेसेंटा, ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या है, ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें ब्लड और फ्लूड इंक्लूड है, तो ये हम किस में थ्रो करेंगे, येल्लो डस्टबिन में। नेक्स्ट, आफ्टर RTA पेशेंट कम इन टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद मैसिव ब्लड लॉस, विच कलर कैनूला यूज बाय अ प्रूडेंट नर्स टू एडमिनिस्टर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूड और ब्लड, ठीक है, इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है, लार्ज अमाउंट में हमें फ्लूड एडमिनिस्टर करना है, तो लार्ज अमाउंट के लिए हम यूज करते हैं ग्रे, ठीक है, ग्रे का कितना गॉज होता है 16, ठीक है, ग्रीन का कितना होता है 18, तो ग्रीन और ग्रे में बहुत कन्फ्यूजन है, बट हम इसमें अगर लार्ज अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया तो लार्ज अमाउंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रे वाला, ठीक है। अगर ये पूछते ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मेनली करते हैं हम ग्रीन कलर, लेकिन अगर पूछ लिया मैसिव या लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूड, ये मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है IV कैनूला के बारे में, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि अगर लार्ज अमाउंट हमें फ्लूड इंसर्ट करना है तो हम कौन सा कैनूला यूज़ करेंगे, ग्रे, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 65-year-old burn पेशेंट केम इन टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 हिज बर्न टोटल बॉडी सर्फेस एरिया 64%, देन वॉट इज द बर्न परसेंटेज ऑफ पेरिनियल एयर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9, ठीक है, आप सबको पता है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग जो पेरिनियल एयर है उसका कितना परसेंटेज है, 1%, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन लेडी कम इन टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड आयरन इंजेक्शन, द नर्स विच थिंग शुड कीप इन माइंड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द इंजेक्शन, ठीक है, तो नर्स को क्या ध्यान रखना है, जेड ट्रैक मैथड, ठीक है, तो जब भी आयरन इंजेक्शन या फिर कोई भी ऐसा इंजेक्शन देंगे जो इरीटेटिंग होगा तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जेड ट्रैक, ठीक है, आयरन और ऑली इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय IM यूजिंग जेड ट्रैक टेक्निक। जेड ट्रैक में क्या है कि जो लीकेज है मेडिसिन का वो सबसे कम होता है, इसलिए हम जेड ट्रैक टेक्निक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 38 weeks प्रेग्नेंट वुमेन एडमिटेड इन लेबर, ऑन ड्यूटी नर्स नो दैट द राइट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर का राइट सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, एड फाइसेयर, ठीक है, ई फॉर फर्स्ट स्टेप है एंगेजमेंट, ठीक है, सेकेंड डिसेंट, देन फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग ऑफ हेड, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, एंड देन डिलीवरी ऑफ हेड एंड बॉडी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कि फर्स्ट इंगेजमेंट, देन इंटरनल रोटेशन, देन क्राउनिंग, देन रेस्टिट्यूशन एंड लास्ट एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, GK में पूछा था कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में वन या फॉरेस्ट है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है MP, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल, ठीक है, ये सिंबल आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये सिंबल में फर्स्ट ऑप्शन है रेडिएशन, सेकंड बायोहजार्ड, देन साइटोटॉक्सिन एंड ऑटोक्लेव, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बायोहजार्ड, ठीक है, सी ऑप्शन, साइटोटॉक्सिक में इस टाइप का सी टाइप का बना होगा, ठीक है, रेडिएशन में इस टाइप की रेडिएशन निकली हुई होती है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब कौन सी है, फर्स्ट ऑप्शन NG ट्यूब, सक्शन कैथेटर, लेवन ट्यूब या इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, ठीक है, तो ये आपको क्या शो हो रही है, NG ट्यूब ऐसी नहीं होती, ठीक है, उसमें अलग से ही होता है, सक्शन कैथेटर भी नहीं है, लेवन ट्यूब भी नहीं है, तो ये क्या है, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, ठीक है, थोड़ी स्मॉल है, अगर थोड़ी बड़ी होती तो हम NG ट्यूब से कन्फ्यूज़ हो सकते, लेकिन ये थोड़ी छोटी है, तो ये क्या है, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब। नेक्स्ट, विच कैनूला यूज इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बताया था ग्रीन कलर का कैनूला यूज़ होता है, जिसका गॉज कितना होता है 18, और इसको याद करने की बहुत इजी ट्रिक मेरे चैनल पे IV कैनूला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस विच काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन पैरामीटर इज यूज एट आंगनवाड़ी सेंटर, ठीक है, आंगनवाड़ी में हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली वेट फॉर हाइट फार्मूला, ठीक है, इससे हम चेक करेंगे माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है या नहीं है। नेक्स्ट, इन विच कंडीशन कॉपर टी शुड नॉट बी प्रेफर्ड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हाइपरटेंसिव, सेकंड एनीमिया, थर्ड
अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग एंड डी लैक्टेटिंग मदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग है और हमें रीजन नहीं पता तो हम कॉपर्टी इंसर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। ठीक है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, 80% केसेस में होता है ए टॉनिक ऑफ यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेडी G3A2P0L0 20 वीक गेस्टेशन केम टू एंटीनेटल क्लिनिक विच एक्सटेंट शुड बी अवॉइडेड बाय द नर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, सेकंड सर्वाइकल एंड सर्कलाज, थर्ड ऑक्सीटॉक्सिक जेल एंड फोर्थ आईवी ऑक्सीटोसिन। तो इसमें हमें क्या अवॉइड करना है, आईवी ऑक्सीटोसिन, क्योंकि मदर कौन से वीक पे आ रही है, अभी 20 वीक गेस्टेशन है, तो इस टाइम पे हमें ऑक्सीटोसिन अवॉइड करना है कि हमें लेबर के लिए अभी स्टिमुलेट करने की कोई नीड नहीं है, तो हमें आईवी ऑक्सीटोसिन नहीं देना। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन इज यूज वाइल पैकिंग कैटगट सूचर। ठीक है, तो कैटगट के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट। ठीक है, एडल्ट में नॉर्मल कितना होता है, 12 to 20 पर मिनट, और अगर हम इसका एवरेज देखें तो कितना, 16। ठीक है, तो इसके सबसे पास में क्या है, 15। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एडल्ट में कितना हो जाता है, 15। नेक्स्ट फॉलोइंग कलर कोडिंग यूज इन ट्रायज सिस्टम ऑफ एमरजेंसी एक्सेप्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एमरजेंट फेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेड कलर, अर्जेंट फेज के लिए येल्लो, कॉन्टिन्यूएशन फेज के लिए ग्रीन, और एक्सपेक्टेड टू डाई, डाई वालों के लिए ब्लैक कलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि लास्ट में पूछा हुआ है एक्सेप्ट, तो ब्लू कलर हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी। ठीक है, ये सबको पता है, डिप्थेरिया पर्टुसिस एंड टेटनस। ठीक है, टेटनी और टेटनस में कन्फ्यूज नहीं होता, इसका करेक्ट ऑप्शन है टेटनस। नेक्स्ट विच हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड नॉट बी यूज इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो हमें क्या कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ नहीं करना। फर्स्ट ऑप्शन है मिनी पिल, सेकंड कंबाइन ओसीपी, थर्ड डिम्पा एंड फोर्थ नन। ठीक है, तो हम ओसीपी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये क्या करता है, लैक्टेशन में ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर देता है, इसलिए हमें ये यूज़ नहीं करना ब्रेस्ट फीडिंग मदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेबी एडमिटेड इन आईसीयू ऑन वेंटिलेटर सपोर्टेड वाया 4 mm ET ट्यूब। ठीक है, विच सक्शन कैथेटर साइज यूज इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में कौन सा सक्शन कैथेटर यूज़ होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 8 French, क्योंकि जो 4 mm की ट्यूब है ये 1 साल तक के बच्चों में यूज़ होती है। ठीक है, 4 mm ET ट्यूब यूज इन 1 ईयर बेबी, सो दिस बेबी रिक्वायर 8 French नंबर कैथेटर फॉर सक्शनिंग। नेक्स्ट अ लेडी वेजाइनली डिलीवर्ड अ बेबी इन लेबर रूम, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर नो दैट आफ्टर 7 days पोस्ट डिलीवरी विच टाइप ऑफ लोकिया कम्स फ्रॉम वेजाइना। ठीक है, फर्स्ट 3 days में क्या होता है, लोकिया रुब्रा 1 to 3 days, 4 to 10 days के लिए लोकिया सिरोसा, 11 to 14 days के लिए लोकिया एल्बा। तो इसमें पूछा 7 days, आफ्टर 7 days क्या दिखेगा हमें, लोकिया सिरोसा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लोकिया सिरोसा। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सेल्फ रिटेनिंग ट्यूब। ठीक है, इनमें से कौन सी सेल्फ रिटेनिंग ट्यूब है, फर्स्ट है रेड रबर ट्यूब, सेकंड मैलकॉट कैथेटर, थर्ड एनजी ट्यूब, फोर्थ फॉलिस कैथेटर। ठीक है, तो जो सेल्फ रिटेनिंग है वो कौन सा है, फॉलिस कैथेटर, कि इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ हमें लिक्विड पुश करना होता है, वो फॉलिस अपनी जगह पर रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर यूज इन मेल एडल्ट। ठीक है, तो एडल्ट में जो मोस्ट कॉमन है वो होता है 12 French। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है एलर्जी ऑफ फर्स्ट डोज, सेकंड फॉरेन बॉडी एलर्जी, थर्ड पॉलन एलर्जी एंड डी हाइपरटेंशन। तो मेन जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है एलर्जी ऑफ फर्स्ट डोज, अगर फर्स्ट डोज में आपको ज़्यादा एलर्जी हुई है तो सेकेंड डोज के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हमें नहीं देना है। सो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि कल आएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।